हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर के लिए आवेदन हो चुका है। दोस्तों, इसका मॉडिफाई का डेट चल रहा है। अगर आप लोगों के फॉर्म में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप लोग अभी जाकर मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि रेलवे जूनियर इंजीनियर में किस जोन में कितना फॉर्म पड़ा है। दोस्तों, अभी एक दो जोन में RTI लगाई गई है और फॉर्म की संख्या जानने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, अभी दो RTI का रिप्लाई आ चुका है और अलग अलग जोन में अभ्यर्थियों ने RTI लगाई है और कुछ में अभी लोग लगा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दो RTI दिखाता हूं जो कि आपके किस जोन से संबंधित है और JEE में कितना फॉर्म पड़ा है और आपको RTI कैसे लगाना है, मैं इस पर भी चर्चा करूँगा। तो अब RTI दिखाता हूं कि RTI के माध्यम से जो रेलवे के द्वारा डेटा दिया गया है उसमें कितने नंबर आप अप्लीकेशन रिसीव हुए हैं जूनियर इंजीनियर वैकेंसी के लिए। दोस्तों, ये आपका RTI लगाया गया था। RTI का रिप्लाई है RRB जम्मू की तरफ से, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग जो विज्ञापन के लिए मांगे गए हैं, जिसमें कि आपका जो RPF वगैरह की वैकेंसी थी इसमें टोटल आपके 32,000 फॉर्म पड़े हैं और जो आपकी टेक्नीशियन की थी वो उसमें आपका 87,000 फॉर्म पड़े हैं और जो जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन था, विज्ञापन संख्या 3/2024, इसमें जो टोटल फॉर्म रिसीव हुए हैं 29,203। दोस्तों, RRB जम्मू में JEE वैकेंसी में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है वो आपका 29,203 फॉर्म फिलअप हुआ है। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट RRB में जो RTI के माध्यम से डेटा प्राप्त हुआ है उसमें कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। दोस्तों, ये आपका RTI लगाया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलीगुड़ी। दोस्तों, इसमें जो आपका टोटल फॉर्म रिसीव हुआ है जूनियर इंजीनियर वैकेंसी को लेकर वो आपका काफ़ी कम देखने को आपको मिल रहा होगा। 2,553 फॉर्म रिसीव हुए हैं दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से ही फॉर्म पड़ता है। यहाँ पर RRB सिलीगुड़ी में वैकेंसी कम थी, इस कारण से जो अभ्यर्थियों ने कम फॉर्म डाला है। आप लोग देख लीजिए कि फॉर्म अलग अलग जोन में अलग अलग पड़े हुए हैं, कहीं ज़्यादा पड़े हुए हैं, कहीं कम पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी इसी प्रकार RTI लगा सकते हैं और कितने नंबर आप फॉर्म हैं एग्जैक्ट आप संख्या पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि आपको RTI कैसे लगानी है। दोस्तों, फिर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि आपको गूगल पे लिखना है RTI ऑनलाइन। आप RTI ऑनलाइन लिखेंगे फिर आपका RTI की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसमें आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। फिर आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। आप ऊपर पे अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप किस में लगाना चाहते हैं, आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डालेंगे, उसमें अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड आ जाएंगे, जम्मू, सिलीगुड़ी, प्रयागराज, भोपाल, जो भी आएगा। आप लोग जिस बोर्ड में लगाना चाहते हैं आप उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, वो किस मिनिस्ट्री के तहत है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर आपको अपना नाम, आपका ईमेल एड्रेस डालना है, फिर आपको एक जो 500 शब्दों में RTI का जवाब पूछना है, उसमें आप लोग पॉइंट नंबर 1 करके डाल देंगे, विज्ञापन संख्या, इसमें कितना फॉर्म रिसीव हुआ, ऐसे जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं और आपका उसमें जो RTI एक्ट के तहत है वो आपका रिप्लाई रेलवे देगा। जो उस एक्ट के तहत नहीं आता है वो उसका रिप्लाई नहीं देगा। जैसे कि नंबर ऑफ फॉर्म पूछना, ये आपका राइट है पूछने का RTI के माध्यम से, रेलवे उसका रिप्लाई भी करेगा। तो दोस्तों, आप लोग RTI लगाइए। अगर आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे स्टेप बाई स्टेप समझा दूँगा और आपका RTI भी लगा दूँगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए, इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 6 मंथ में हो जाएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।